हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है नितिका ठाकुर और हम सब पढ़ रहे हैं चंबा। चंबा पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने 4 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने पृथ्वी सिंह बर्मन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए 3 क्वेश्चंस हैं, आप उनके आंसर देंगे। और सभी लोग जो है वो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो पहला सवाल है आपके लिए कि चंबा के कौन से राजा मुगल दरबार 9 टाइम्स विजिट करते हैं, और उस टाइम पे जो मुगल थे उनका नाम था शाहजहां। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि चंबा में नूरपुर के किस राजा ने तारागढ़ फोर्ट बनाया था। एंड थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि चंबा में हिडिंबा देवी टेम्पल जो है वो किसने बनाया था। तो ये 3 क्वेश्चन के आप लोग आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अगले राजा है चतर सिंह, तो आप जो है इस तरह से लिखिए चतर सिंह। तो चतर सिंह में फर्स्ट पॉइंट तो आप यही लिखेगा, ऑल्सो नोन एज शत्रु सिंह। इनका एक दूसरा नाम भी हमको बताया गया है और वो नाम है शत्रु सिंह। ठीक है, शत्रु सिंह। और अगर आप टाइम पीरियड देखना चाहें 1660 से लेके 1690 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। तो चतर सिंह की भी हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मिलती है। इनके वजीर का नाम आप पहले याद रखिएगा, वजीर का नाम है जय सिंह, जो कि इनके छोटे भाई हैं। ठीक है जी। जय सिंह कौन है? जय सिंह जो है वो चतर सिंह के छोटे भाई हैं, और इस टाइम पीरियड पे ये वजीर हैं, जो कि काफी अच्छा काम धाम चला रहे हैं। और इस टाइम पे मुगल कौन है? मुगल आपको मिलेंगे औरंगजेब। ठीक है जी, मुगल का आपने नाम याद रखना है, इनका नाम है औरंगजेब। तो कंटेम्प्रोरीज हमको याद रखने हैं। हाँ जी, हमने अकबर के टाइम पे कौन पढ़ा था? अकबर के टाइम पे आपने पढ़ा था प्रताप सिंह वर्मन, जो कंटेम्प्रोरी है। जहांगीर के टाइम पे आ जाएंगे फिर जनार्दन वर्मन, शाहजहां के टाइम पे आएंगे पृथ्वी सिंह वर्मन, एंड देन औरंगजेब के टाइम पे आपको मिल जाएंगे चतर सिंह। ठीक है, चतर सिंह। अब एक स्टोरी यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जो औरंगजेब है, जो मुगल बादशाह है, ये ऑर्डर देते हैं चतर सिंह को, चंबा के राजा को। इन्होंने ऑर्डर्स दिए कि चंबा में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को आप तोड़ दो। ठीक है जी, जितने भी मंदिर हैं इन सभी मंदिरों को आप तोड़ दो। और ये ऑर्डर्स कब दिए थे? 1678 में। 1678, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से 3 सवाल बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि औरंगजेब ने चंबा के किस राजा को मंदिर तोड़ने का ऑर्डर दिया था? वो राजा हो जाएंगे चतर सिंह। कब ऑर्डर्स दिए थे? 678, 678, 678। इस तरह से आपने याद रखना है कि भाई 6, 7, 8 मंदिरों को तोड़ दो, जितने मंदिर हैं। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि चंबा के राजा चतर सिंह को 1678 में किस मुगल ने ऑर्डर्स दिए थे कि आप मंदिरों को तोड़ दो? वो है औरंगजेब। ठीक है जी, ऑर्डर्स तो दे दिए। चतर सिंह बोलते हैं कि मैं इतना बेला थोड़ा हूँ बैठा हुआ कि मैं आपके बात यहाँ मानूंगा, आपके ऑर्डर्स मैं सुनूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं मंदिरों को नहीं तोड़ूंगा। उल्टा इन्होंने क्या किया था, चतर सिंह ने चंबा में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, और सभी मंदिरों के ऊपर गुम्मट बनवा दिए, बहुत अच्छे कंडीशन में जो है सभी टेम्पल्स को ला दिया था। तो औरंगजेब को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ना, इन्होंने बोला तोड़ दो, इन्होंने वो और भी अच्छे कर दिए यहाँ पे। तो फिर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया इन्होंने बोला चतर सिंह को कि फटाफट मेरे से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचो। ठीक है जी, आप चंबा में बैठे हैं, एकदम से आओ मुझसे मिलो, आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तो ऐसा वो संदेश जो है वो चतर सिंह के पास पहुंचता है। चतर सिंह ने बोला अपने पास तो टाइम नहीं है, अपन बहुत बिजी है, मैं तो नहीं आने वाला हूं मतलब। तो फिर उन्होंने आने से मना कर दिया। तो फिर औरंगजेब को और गुस्सा चढ़ा कि भाई मेरी बात तो मतलब मान रहे हैं आप, है ना। तो फिर ये दोबारा भेजते हैं अपने सैनिकों को संदेशा लेके कि चतर सिंह को बोलो कि बहुत ही सीरियसली बुलाया है आपको, मिलने आओ फटाफट से। चतर सिंह ने बोला कि ना मैं नहीं आऊंगा मिलने के लिए। इन्होंने क्या किया, इनके एक भाई थे, अपने भाई को बुलाया। भाई कुछ भी नहीं करते थे, वो घर में बैठे बैठे वो पबजी खेल रहे हैं सारा दिन एकदम आराम से पढ़ के। तो फिर चतर सिंह ने बोला कि ये बेला बैठा है, इसको बुलाता हूँ मैं इधर, क्योंकि अभी पबजी खेल नहीं रहे थे वो, मतलब उस टाइम पर तो कहीं पबजी था, याद करने के लिए आपने ऐसे स्टोरी समझना है ये। तो वो बेले बैठे थे एकदम, उनका नाम क्या है, शक्ति सिंह है। ठीक है, शक्ति सिंह।
और ये शक्ति कपूर के बहुत बड़े फैन थे, ठीक है जी, शक्ति कपूर के बहुत बड़े फैन थे ये, तो इन्हीं का ही नाम जो है वो शौकत सिंह भी मेंशन किया गया है, शौकत सिंह, ठीक है जी, शौकत सिंह भी इन्हीं का ही नाम मेंशन किया गया है। तो शक्ति सिंह को ये बुलाते हैं कि इधर आओ, कि हाँ जी भैया कि घूमने जाना है, कि हाँ हाँ घूमने तो जाना है, कि जाओ दिल्ली जाओ और दिल्ली जाके घूम के आओ, टाइम मिले तो औरंगजेब से भी मिल लेना आप, ऐसा ऐसा कुछ बोला, ठीक है। ये भी भाई थे इनके, बट बुलाया किसको था, शक्ति सिंह को बुलाया था। शक्ति सिंह भी खुश हो गया कि भाई परमिशन मिल गई घूमने की, ये चल पड़े। अब देखिए ये चंबा से चल रहे चल रहे चल रहे, रास्ते में गुलेर पड़ गया, ठीक है जी, गुलेर रास्ते में क्या पड़ गया, गुलेर, और गुलेर के जो राजा हैं इस टाइम पे वो है राज सिंह। राज सिंह का भी आपने नाम याद रखना, जो राज सिंह है वो आपको मिलेंगे अभी गुलेर के राजा। तो फिर गुलेर के राजा ने बोला राज सिंह ने कि हाँ भाई शक्ति सिंह कहाँ जा रहे हो आप, तो फिर शक्ति सिंह ने बोला कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो कि चलना घूमने, कि हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं, तो फिर इसको भी साथ लिया और दोनों लोग जो है वो चल पड़े घूमने के लिए, ठीक है जी। अब जा रहे हैं बट अभी दिल्ली पहुंचे नहीं थे, इनका मन बदल गया कि नहीं भाई दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, हम नहीं जाएंगे दिल्ली, चलो वापस, मतलब कि दिल्ली पहुंचे ही नहीं और आधे ही रास्ते से जो है ये वापस आ गए थे चंबा की तरफ। और इस तरह से औरंगजेब से मिलने के लिए ये भी नहीं गए, तो फिर औरंगजेब को बहुत ही गुस्सा आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। और ये बात जो है वो यहीं पे फिर खत्म हो जाती है, मतलब जो मुगल्स हैं और चंबा का जो रिलेशन है फिर आगे चल के वो ठीक रहता नहीं है, क्योंकि मुगलों के ऑर्डर्स को जो है वो चंबा के जो राजा है वो मान ही नहीं रहे थे। उन्हें इसको किस तरह से याद रखना है कि चतर सिंह के टाइम पे औरंगजेब कंटेम्प्रोरी थे, इनको मंदिर तोड़ने का ऑर्डर दिया, इन्होंने मना कर दिया, दिल्ली बुलाएंगे, ये भेज देंगे शक्ति कपूर को कि जाओ और जाके मिलके आओ, ये भी नहीं जाएंगे। बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये डेट है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इस टाइम पीरियड पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ है, जो अभी पंजाब वाला एरिया है, पंजाब वाले एरिया में अभी जो वॉइसरॉय है इनका नाम है मिर्जा रियाज बेग, ठीक है जी, मिर्जा रियाज बेग, ये जो पंजाब वाला एरिया है वहां के वॉइसरॉय हैं। एंड मिर्जा रियाज बेग की क्या इंटेंशन है कि मुझको पहाड़ी एरिया में घुसना है और पहाड़ी एरिया मुझको कैप्चर करना है, तो धीरे 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 इन्होंने पहाड़ी एरिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। तो चंबा के जो राजा अभी आपको मिलेंगे इनका नाम है चतर सिंह। चतर सिंह ने बोला कि भाई ये तो गलत बात है, अगर इस तरह से मिर्जा रियाज बेग एक बार पहाड़ी रीजन में घुस गया ना, तो इसको वापस भगाना फिर मुश्किल हो जाएगा, तो हमको इनको जो है वो पहाड़ी रीजन में आने से रोकना होगा। तो फिर जो आसपास वाली रियासतें हैं ना, उन सभी राजाओं को ये बोलेंगे कि चलो हम सभी मिलके जो है वो इनका सामना करेंगे और इनको हम लोग बाहर कर देंगे। तो कुछ एक राजाज ने मिलके जो है एक समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया। तो राजाज कौन कौन है वो ध्यान देना, चंबा के जो राजा है उनका नाम हो जाएगा चतर सिंह, एक है राज सिंह, राज सिंह है गुलेर के राजा, ठीक है जी, फिर है धीरज पाल, धीरज पाल है बसौली से, बसौली से, एंड नेक्स्ट इज कृपाल देव, कृपाल देव ये आपको जम्मू से मिलेंगे, ये है जम्मू से। तो ये चार राजाओं का आप नाम याद रखेंगे, इन चार राजाओं ने जो है एक ग्रुप बनाया, एक एसोसिएशन इनकी बन गई, और इन सभी ने मिलके मिर्जा रियाज बेग को पहाड़ी रीजन में घुसने से जो है वो रोक दिया था। तो यहां से आपसे ये सवाल पूछा जाता है, सवाल आपसे किस तरह से पूछते हैं कि जो पंजाब के वाइसरॉय थे मिर्जा रियाज बेग, जब उन्होंने पहाड़ी रीजन में घुसना चाहा, तो पहाड़ी राजाओं के समूह ने उसे अंदर आने से जो है वो रोक दिया था, तो फिर आप ये बताइए कि उसमें बसौली के किस राजा ने पार्टिसिपेट किया था, या जम्मू के किस राजा ने पार्टिसिपेट किया था, या चंबा के किस राजा ने पार्टिसिपेट किया था। तो आपसे ये राजाज के नाम पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान देना यहाँ पे। बस यही पॉइंट जो है हम लोग चतर सिंह के टाइम पे पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये दो ही पॉइंट है, एक औरंगजेब वाला पॉइंट आएगा इनके टाइम पे, और एक है मिर्जा रियाज बेग वाला, और उसके बाद जो चतर सिंह है इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है जी। चतर सिंह की डेथ हो गई तो उसके बाद जो इनका बेटा है वो राजा बन जाएगा, उनका आप नाम लिखिएगा उदय सिंह, उदय सिंह, ठीक है जी, इनका नाम है उदय सिंह। और उदय सिंह तो अलग ही पर्सनालिटी है ये उदय सिंह। जब इनके फादर की डेथ हुई तो अभी वजीर कौन है, वजीर वही है
जय सिंह, ठीक है जी, वजीर वही है जय सिंह। तो जय सिंह की सुपरविजन में ही जो है अभी सारा काम चल रहा था, क्योंकि जो ये उदय सिंह है ज्यादा कैपेबल राजा थे नहीं, ठीक है जी, कुछ इनको आइडिया था नहीं कि कैसे राजकाज करना है। तो अभी तक काम ठीक चलता रहा जब तक जय सिंह थे, बट जब जय सिंह की डेथ हो गई तो उसके बाद जो उदय सिंह है वो आजाद परिंदा बन के उड़ने लग गए, और इनको ही रोक टोक थी नहीं इनके ऊपर, तो इनके मन में जो आता था वो वही करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ते रहे और उसके बाद ये बीमार हो गए। इनको बीमारी हुई बुखार, ठीक है जी, किसका बुखार, प्यार का बुखार इनके सिर पे जो है वो चढ़ने लग गया। मतलब कि इनको एक लड़की से प्यार हो गया था, और वो लड़की कौन थी, वो थी एक बार्बर की डॉटर, ठीक है जी, मतलब एक नाई की वो बेटी थी। तो इनको तो वो पसंद आ गई थी अब, है ना। लेकिन देखो जो राज परिवार है, राज परिवार की शादी जो है कि राज परिवार में ही होगी, तो फिर उदय सिंह ने बड़ा दिमाग लगाया यहाँ पे कि अगर मैं बोलूंगा ना कि मैं एक नाई की बेटी से प्यार करता हूँ तो शायद कोई भी मानेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया था, क्योंकि वजीर की तो अभी यहाँ पर डेथ हो चुकी थी, इन्होंने इनको बार्बर को जो है वो बना दिया वजीर, इनको क्या बना दिया, वजीर की, मैं इनको वजीर बनाता हूँ और वजीर की बेटी से मैं शादी करूंगा, जो कि जिनसे मतलब ये प्रेम करते थे। तो इस बात को क्या राज्य एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ राजा ही थोड़ा भी है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स भी तो हैं, और जैसे कि जो मंत्री होते हैं, जो महामंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, अलग अलग तरह के जो है वो ऑफिसर्स हैं अभी राज्य में, तो वो सारे के सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो सभी राजा के अगेंस्ट हो जाएंगे। वो लोग बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे किसी को बाहर से लाके वजीर बना रहे हैं और सारी पावर आप उनके हाथ में दे रहे हैं, एक लड़की के प्यार में पड़ के, है ना, लड़की का चक्कर बाबू भैया। तो वही वाली बात यहाँ पे भी हो जाएगी कि ये तो गलत बात है, हम नहीं मानते इस बात को और हम जो है वो आपके सपोर्ट में नहीं है। सभी ऑफिशियल्स ने मिलके एक प्लान बनाया कि हम लोग उदय सिंह को राजगद्दी से उतार देंगे, क्योंकि राजा बनने वाले इसमें लक्षण है ही नहीं। तो इन्होंने सहमति के साथ उदय सिंह को राजगद्दी से उतार दिया और इनकी जगह पे ये राजा बनाते हैं उग्र सिंह को। उग्र सिंह आपने याद रखना, ये उग्र सिंह को राजा बनाएंगे। हालांकि उग्र सिंह को भी कुछ ज्यादा आइडिया था नहीं कि भाई कैसे राजकाज चलाना है, बट फिर भी ये बन गए राजा। लेकिन जो ये उदय सिंह है, ये थोड़ा भी अपनी राजगद्दी छोड़ेंगे। एक महीने के बाद उदय सिंह वापिस आते हैं और वो आके बोलेंगे उग्र सिंह को कि हटो भाई, ये जो राजगद्दी है, ये राजगद्दी जो है वो मेरी है, ऐसे कैसे आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। उग्र सिंह ने बोला कि प्रभु क्षमा, मैं तो वैसे भी यहाँ पे जबरदस्ती मेरे को बिठाया गया था, मैं नहीं चाहता हूँ राजा बनना। और उग्र सिंह जो है अपनी जान बचाते बचाते कहाँ भाग गए, जम्मू भाग गए और जम्मू में जाके छिप गए, क्योंकि उग्र सिंह को ये डर था कि ये उदय सिंह जो है ये मेरे को मार देंगे क्योंकि मैं राजा बन गया था। तो ये छिप जाते हैं कहाँ जाके, जम्मू में। जम्मू के राजा इस टाइम पे है ध्रुवदेव, याद रख लीजिए आप, है ना, जम्मू के राजा जो है वो ध्रुवदेव अभी मिलेंगे आपको। तो उग्र सिंह जो है वो तो जम्मू चले गए, राजा कौन बन गया यहाँ पे दोबारा से, जो उदय सिंह है वो दोबारा से राजगद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन जो ये ऑफिशियल्स हैं, क्या इनको ये बात कबूल है ना, इनकी तो आंखों में खटक रहेगी जो उदय सिंह है। तो ये सभी लोग दोबारा प्लान बनाएंगे कि हमने इनको राजगद्दी से उतारना है। और इनके एक भाई है, छोटे भाई है, उनका नाम है लक्ष्मण, ठीक है जी, लक्ष्मण सिंह। तो छोटे भाई का नाम क्या है, लक्ष्मण सिंह है, राजा के छोटे भाई हैं ये। तो ये सारे जो अधिकारी हैं, ये सारे जो मंत्री वगैरह हैं, ये सब किसके पास जाएंगे, लक्ष्मण सिंह के पास जाएंगे और लक्ष्मण सिंह को बोले कि देखो भाई क्या काम किया उदय सिंह ने, कोई राजा को शोभा देता है ऐसा काम, और ये नहीं है राजा बनने के लिए, हम आपको राजा बनाएंगे, आप हमारी मदद करो, हम मिलके इनको राजगद्दी से उतार देंगे, क्योंकि ये तो हमारे राज्य को डुबो देंगे फिर इस हाल में जो ये काम कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने बोला ओके डन, है ना, बगैर काम किया मतलब इन्होंने। तो ये सभी लोग मिलके प्लान बनाते हैं कि हम मिलके जाएंगे और हमने मिलके उदय सिंह को मार देना है, ऐसा पूरा प्लान बन गया। और जब वो प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आया, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया, उसी टाइम पे जाके जो है वो लक्ष्मण सिंह का भाई प्रेम जाग गया, अपने भाई को देख के बोला कि ना मेरे को अपने भाई को मारना नहीं है, हाय मेरे भैया, ऐसे ऐसे बोला इन्होंने कुछ वहां पे, और वो प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया वहां पे। तो फिर इन लोगों को तो बहुत ही गुस्सा आया, ये जो ऑफिशियल्स हैं इनको तो बहुत ही गुस्सा आना है कि ये एक भाई क्या है जो दूसरा भाई है ना, एक से बढ़ के एक है,
भाई पहले तो जो है वो लक्ष्मण सिंह आप ही हो यहाँ पे, इन सभी ने मिलके पहले लक्ष्मण सिंह को ही मारा, ठीक है जी, कि आप पे भरोसा करना ही नहीं है हमको। तो लक्ष्मण सिंह को मार दिया उन्होंने और कुछ एक टाइम के बाद जो उदय सिंह है इनकी भी डेथ हो जाएगी। हाँ जी, उदय सिंह की भी जो है वो थोड़े टाइम के बाद ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये खबर कहाँ पहुंचेगी, ये खबर पहुंचेगी जम्मू कि जो उदय सिंह है इनकी मृत्यु हो चुकी है। और जब ये जम्मू खबर पहुंचती है तो फिर जो ये उग्र सिंह है जो जम्मू में छिपे बैठे हैं वो बोलेंगे हाँ जी मैं तो यहाँ पे हूँ, हाँ मैं बनूंगा राजा। तो फिर उग्र सिंह जो है वो वापस से आएंगे कहाँ, चंबा, और यहाँ पे आके जो है ये बन जाएंगे फिर राजा। ठीक है जी, समझ पा रहे ना आप क्या हुआ ये उदय सिंह के टाइम पीरियड पे। तो आपको यहाँ से क्या सवाल पूछा जाता है कि चंबा के कौन से राजा हैं जो एक नाई की पुत्री के प्यार में पड़ गए थे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। तो आपने याद रखना है इनका नाम उदय सिंह, ठीक है जी, उदय सिंह है। अब ये देखिए राजगद्दी है, ये क्राउन मान लीजिए, ये राजगद्दी है, यहाँ पे कौन बैठ गए आके, उग्र सिंह, ठीक है जी। उग्र सिंह आ जाते हैं जम्मू से, वही वाले उग्र सिंह है ये, जम्मू से आएंगे राजगद्दी के ऊपर ही बैठ जाते हैं। लेकिन जब ये चंबा पहुंचे ना तो इनको डर हो गया बहुत ज्यादा। अब इनको डर किस चीज का हुआ, इनको डर हुआ भूत का, ठीक है जी, किस भूत का, जो उदय सिंह है जो राजा नहीं थे अभी तक, क्योंकि उदय सिंह की तो मृत्यु हो गई है। तो उग्र सिंह को क्या लगता था ना कि उदय सिंह जो है वो भूत बन के डराएगा मेरे को, क्योंकि राजगद्दी के ऊपर शुरू से ही किसकी नजर थी, जो उदय सिंह है उनकी राजगद्दी थी, मैं उनकी जगह पे यहाँ पे बैठ रहा हूँ क्योंकि अब ये मर चुके हैं तो ये भूत बन गए हैं और ये भूत बन के मेरे को डराएंगे, ऐसा ऐसा जो है वो उग्र सिंह को डर लगता था। तो उग्र सिंह ने फिर उसके लिए एक उपाय सोचा, इन्होंने क्या किया, जहां पे उदय सिंह की डेथ हुई थी वहां पे उन्होंने एक मंदिर बना दिया, ठीक है जी, वहां पे ये मंदिर बनाएंगे किसके लिए, उदय सिंह के लिए, उदय सिंह की शांति के लिए, कि भाई इसकी जो आत्मा है उसको शांति मिले और ये मेरे को ना डराए, ठीक है। तो राजा देखो किससे डर रहा है, भूतों से ये डर रहे हैं इस टाइम पे, और किस भूत से, उदय सिंह के भूत से, इनका मन का वहम है वो। तो इन्होंने मंदिर बना दिया इनकी आत्मा की शांति के लिए। तो फिर उग्र सिंह ने क्या किया था, उग्र सिंह ने ना एक टैक्स लगा दिया, ठीक है जी, एक टैक्स लगा दिया इन्होंने और बोला कि भई ये जो टैक्स है इस टैक्स से जो पैसा आएगा उससे हम लोग इस टेम्पल को मेंटेन करके रखेंगे। उस टैक्स का नाम है तुसेरा उदय सिंहियाणा औतेरियाणा, ठीक है जी, मैं लिखती हूँ यहाँ पे तुसेरा उदय सिंहियाणा औतेरियाणा औतेरियाणा, ठीक है जी। अब ये हमको चंबा की ही जो लोकल लैंग्वेज है उसी में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। तो जहां तक इसको मैं डिकोड कर पा रही हूँ, तुसेरा का मतलब हुआ आपका, ठीक है जी, तुसेरा मतलब आपका, उदय मतलब उदय, सिंहियाणा मतलब सिंह, औतेरियाणा यहाँ पे थोड़ा सा एक शब्द है जो हमको समझना है, औतेरियाणा का मतलब हुआ तर जाना, ठीक है, तर जाना मतलब इसकी आत्मा को शांति मिल जाए, ये भव सागर को पार कर जाए। तो तुसेरा उदय सिंहियाणा औतेरियाणा मतलब आपके उदय सिंह जो राजा है उनको जो है वो इस संसार के झमेले से जो है वो मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कुछ टैक्स का नाम है, इसका कुछ अगर और मतलब हो ना, आपको कुछ पता हो तो आप जरूर बताना, क्योंकि चंबा के लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको, तो आप जरूर बताना है, पक्का कमेंट करना आप लोग, इसका कुछ आपको और मतलब पता हो तो। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि तुसेरा मतलब आपका उदय सिंह जो है वो भव सागर को पार कर जाए, तो ऐसा टैक्स इन्होंने लगा दिया था बस। अब ये काम कर रहे हैं ये, है ना, राजा के क्या काम होते हैं, राजा काम है कि हाँ भाई लड़ो, अपनी सीमाओं को बढ़ाओ, प्रजा की आप रक्षा करो, ये बनाने बैठे हैं मंदिर यहाँ पे और लगाई जा रहे हैं टैक्सेस इस तरह के। तो फिर जो ये ऑफिशियल्स हैं, जो अभी मुख्य अधिकारी यहाँ पे हैं, उन सभी को गुस्सा चढ़ जाएगा उग्र सिंह का, ये बोलेंगे कि भाई एक तो इनको हमने राजा बनाया, क्या इसलिए राजा बनाया था कि आप मंदिर बनाई जाओ, कुछ काम भी तो करो आप। इन सबने बोला कि नहीं, ये भी नहीं है राजा बनने के लायक, हम एक दूसरे व्यक्ति को राजा बनाएंगे जिनका नाम है दलेर सिंह, ठीक है जी। तो ये सर्वसम्मति से जो है वो किसको राजा बनाना चाह रहे हैं, अभी दलेर सिंह को राजा बनाना चाह रहे हैं। और जो ये उग्र सिंह है, उग्र सिंह को बोला कि राजगद्दी खाली करो, आप जाओ यहाँ से। तो उग्र सिंह ने बोला कि मैं थोड़ा भी अपनी मर्जी से बैठा था यहाँ पे, आपने बिठाया मेरे को, लो अपनी राजगद्दी, मैं चलता हूँ यहाँ से, कि मेरे को तो शौक है नहीं राजा बनने का वैसे भी। उग्र सिंह ने राजगद्दी खाली कर दी, लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे ही राजगद्दी से उतरे इन्होंने चंबा में आग लगा दी, ठीक है, चंबा में इन्होंने आग लगा दी
और भागे फिर फटाफट से ये रावी रिवर का इन्होंने पुल क्रॉस किया, और जैसे ही पुल क्रॉस किया वैसे इन्होंने उसके ऊपर का ब्रिज तोड़ दिया ताकि कोई इनका पीछा ना कर सके, आपकी आग लगा के जाऊंगा, है ना। वो मूवी देखी होगी आपने कि जला के राख कर दूंगा, तो वो मूवी जो है वो इन्हीं पे बनी है, उग्रसेन के ऊपर, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने वो चंबा में आग लगा दी, भागे कहां को, नीचे कांगड़ा की तरफ को, ठीक है, ये चंबा नीचे कांगड़ा, तो भागते भागते कांगड़ा आ गई, और कांगड़ा में डेथ हो गई इनकी, ठीक है जी, कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाते हैं बस। तो उग्रसेन की स्टोरी भी खत्म हो गई। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लंदन में एक म्यूजियम है, उसका नाम है विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम, ठीक है जी, विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम ये लंदन में है। तो विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में चंबा के किस राजा की पोर्ट्रेट रखी गई है, तो चंबा के किस राजा की पोर्ट्रेट वहां पे रखी गई है, उग्र सिंह की, ठीक है जी, उग्र सिंह की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखिएगा, इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं कि इनकी पोर्ट्रेट रखनी तो बनती है वहां पे, कि कौन सा राजा भूतों से डरता था, ठीक है जी, वो आ जाएंगे उग्र सिंह, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगले राजा दलेर सिंह बनेंगे, दलेर सिंह के टाइम पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा, मतलब इनको भी इंटरेस्ट था ही राजा बनने में, तो जब ये राजा बनते हैं इन्होंने बोला कि भाई अपने बस की ये बात है नहीं, तो ये राजगद्दी को खुद ही छोड़ देंगे। किसके लिए छोड़ देते हैं, जो उग्र सिंह का बेटा होता है उनका नाम आएगा उमेद सिंह, तो उमेद सिंह के लिए इन्होंने अपनी राजगद्दी को खुद ही छोड़ दिया था, ठीक है जी, दलेर सिंह ने। तो जो अगले राजा आएंगे आपके पास वो कौन है, उमेद सिंह है, तो आप जो है हेडिंग दीजिएगा उमेद सिंह, इंपॉर्टेंट राजा है उमेद सिंह, तीन चार काम इनके टाइम पे हुए हैं बट इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है जी। चलिए तो आप लिखिए उमेद सिंह, तीन चार काम ही इनके टाइम पीरियड पे हुए हैं और वो इंपॉर्टेंट काम है सारे के सारे ही, तो आप इन राजा को स्टारमा कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि चंबा में इन्होंने बनाया था नाडा महल, ठीक है जी, नाडा महल जो है इन्होंने चंबा में बनाया था, राजनगर वाले एरिया में, राजनगर, तो राजनगर में नाडा महल किसने बनाया है, नाडा महल बनाया है उमेद सिंह ने। फिर ये बनाएंगे रंग महल, रंग महल चंबा में, रंग महल किसने बनाया है, तो चंबा में रंग महल बनाया है उमेद सिंह ने। ये रंग महल से हमको तीन से चार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, आप मंडी में बिलासपुर में भी रंग महल पढ़ोगे तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है ये आपको, ठीक है जी। नाडा महल भी इंपॉर्टेंट है और रंग महल भी इंपॉर्टेंट है, ये उमेद सिंह ने बनाया है, उमेद सिंह का बेटा है राज सिंह, ठीक है जी, राज सिंह ये आएंगे उमेद सिंह के बेटे, और इनका जो जन्म है वो हुआ है राजनगर में, राजनगर, राजनगर में जन्म हो जाता है राज सिंह का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो उमेद सिंह हैं उन्होंने एक बात बोली थी कि जब मेरी डेथ होगी, मतलब जब उमेद सिंह की डेथ होगी तो मेरे मरने पे जो मेरी वाइफ है वो सती नहीं होगी, ठीक है जी, मेरी जो वाइफ है वो सती नहीं होगी, सती नहीं होगी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो है वो रानियां सती हो जाया करती थी जब राजा की डेथ होती थी, तो इन्होंने ये बात बोली कि नहीं मेरी वाइफ सती नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये तीन क्वेश्चन आपके पास आएंगे यहां से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उमेद सिंह को ना आप उम्मीद से याद रख सकते हैं कि हमें आपसे यही उम्मीद थी, है ना। अब क्या उम्मीद थी हमें आपसे, यही उम्मीद थी कि भाई आप अच्छे काम करेंगे, है ना। अब देखो आप अपनी वाइफ की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसको तो जीने दो मेरे मरने के बाद, तो अच्छी हमने आपसे उम्मीद रखी आपने पूरी की। या फिर नाडा महल और जो रंग महल है, ठीक है जी, कि जो नाडा है नाडा को आप नाड़े से याद कर सकते हैं, तो उसमें जो है वो रंग कर दिया आपने, रंग बिरंगे नाड़े बन गए वो, तो हमें आपसे यही उम्मीद थी, ऐसे को भी आप मतलब याद रख सकते हैं याद रखने के लिए। तो क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाडा महल से भी पूछते हैं आपसे और रंग महल से भी पूछते हैं और ये सती वाला क्वेश्चन भी पूछेंगे बस। एंड कुछ एक टाइम के बाद जो उमेद सिंह है इनकी डेथ हो जाएगी, और उमेद सिंह के बाद जो अगले राजा हमारे पास आएंगे वो आएंगे राज सिंह, इनके बेटे हैं, ठीक है जी। तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से, और अब हम पढ़ेंगे राज सिंह के बारे में। राज सिंह का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग जो है वो चंबा और कांगड़ा पढ़ेंगे कंटेम्प्रोरी। इससे पहले हमने ज्यादा चंबा और कांगड़ा नहीं पढ़ा था समकालीन, बट अब पढ़ेंगे और ये वाली जो हिस्ट्री है वो आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है जी। देखिए ये अपना हिमाचल आ गया, यहाँ पे है चंबा, चंबा में जो राजा है वो है राज सिंह, हाँ जी,
चंबा के जो राजा है वो कौन है, राज सिंह है। और इस टाइम पीरियड पे जो अपना ये कांगड़ा वाला एरिया है यहाँ पे है घमंड चंद। ठीक है जी, घमंड चंद कांगड़ा में हम पढ़ते हैं घमंड चंद को और उसके बाद संसार चंद को। तो घमंड चंद का टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। और जिस टाइम पीरियड पे राज सिंह राजा बनते हैं ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत मतलब एक बच्चा है, इनको राजगद्दी पे बिठाया गया है क्योंकि राजा की डेथ हो गई है। तो इतना छोटा बच्चा जो है वो तो काम धाम नहीं संभाल सकता ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाएंगे। तो ये टाइम पीरियड जो है वो बेस्ट है घमंड चंद के लिए, क्योंकि जब कांगड़ा में आप घमंड चंद को पढ़ते हो ना तो घमंड चंद ने काफी एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया था, बहुत सारा एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इन्होंने सोचा कि चंबा के ऊपर अटैक करने का ये मेरे पास बेस्ट टाइम है, तो घमंड चंद जो है वो चंबा के ऊपर को अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। और जो ये बड़ा बंगाल वाला रीजन है, अगर आप कांगड़ा देखें ना तो कांगड़ा में आपको बिल्कुल ये जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे आपको ये बड़ा बंगाल वाला एरिया मिलता है। तो बड़ा बंगाल वाला एरिया अभी के टाइम पे तो कांगड़ा में आता है, बट इस टाइम पीरियड पे वो चंबा के पास था। ठीक है जी, ये वाला एरिया अभी चंबा के पास था। तो घमंड चंद ने क्या किया, घमंड चंद ने बड़ा बंगाल वाले रीजन पे अटैक किया था। बड़ा बंगाल वाले एरिया के ऊपर जो है वो घमंड चंद अटैक करते हैं। यहाँ पे ही एक पथियारा फोर्ट था, ठीक है जी, पथियारा फोर्ट था, उसके ऊपर भी जो है वो घमंड चंद ने अटैक किया था और इस एरिया से जो चंबा की सेना है उसको वापस भगा दिया था, वापस खदेड़ दिया था। और चंबा वाले काफी एरियाज की तरफ जो है वो बढ़ने लग गया था, कौन, घमंड चंद। हाँ जी, समझ पा रहे ना आप, ये घमंड चंद जो है वो फायदा उठा रहे हैं इस सिचुएशन का। तो धीरे 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 चंबा की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। तो चंबा का क्या होगा, होना क्या है, वो बड़ी टेंशन होगी यहाँ पे। तो जो अभी राज सिंह की जो मदर है, ठीक है जी, राज सिंह की जो मदर है वो तो अभी जिंदा है यहाँ पे। तो ये जो मदर है इनकी, मतलब जो रानी है, वो कहां से थी, वो थी जम्मू से, वो जम्मू की प्रिंसेस थी। ठीक है जी, मतलब इनका जो मायका है वो कहां पे था, जम्मू में था। तो फिर जब ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई तो फिर रानी ने जम्मू को बोला कि आओ मेरी हेल्प करने के लिए। ठीक है जी, अपने मायके वालों को बोला, मतलब कि मेरी हेल्प करने के लिए आओ, कांगड़ा वालों ने जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। तो फिर अभी जम्मू के राजा कौन है, इनका नाम है रंजीत देव। ठीक है जी, जम्मू के जो राजा हैं इनका नाम है रंजीत देव। तो रंजीत देव को फिर मदद के लिए बुलाया गया, रंजीत देव यहाँ आते हैं और यहाँ आके जो है वो घमंड चंद को हरा देंगे और चंबा से घमंड चंद को बाहर कर देंगे। ठीक है जी, भाई वापस जाओ आप। तो इस तरह से जम्मू ने हेल्प की। तो यहाँ पे ना एक बात बोली जाती है कि चंबा की रानी ने घमंड चंद को हरा दिया था, या घमंड चंद जो है एक रानी के हाथों हार गया था, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि अभी यहाँ पे जो काम चला रही है वो एक रानी ही है, उन्होंने जम्मू की हेल्प से घमंड चंद को हरा दिया था, मतलब कि चंबा से उन्होंने बाहर कर दिया था। ठीक है जी, ऐसा कुछ हो गया, घमंड चंद वापिस से आ जाते हैं। अब जो ये रंजीत देव है ना, जो जम्मू के राजा हैं, रंजीत देव ये सोचेंगे कि आज तो हमने घमंड चंद को हरा दिया, हम लोग वापिस आ जाएंगे, बट कल को घमंड चंद दोबारा अटैक कर सकता है, और अगर घमंड चंद ने अटैक नहीं किया तो कोई और अटैक कर देगा फिर इस एरिया में, है ना। तो हम कब तक यहाँ आते रहेंगे, हमको अपना भी तो काम करना है, क्या हम चंबा ही चले रहेंगे रोज रोज। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे अपने एक ऑफिसर को यहाँ अपॉइंट कर देंगे। ठीक है जी, रंजीत देव। रंजीत देव का एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अक्ल वाला, बहुत दिमाग वाला एक ऑफिसर था, उनका नाम था अकलू। ठीक है जी, अकलू, अकलू इसीलिए नाम था ना क्योंकि उनमें अकल थी बहुत ज्यादा। तो फिर इन्होंने जो है वो अकलू को चंबा में अपॉइंट कर दिया और बोला कि चंबा का जो काम धाम है सारा का सारा, चंबा में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन संभाले, आप संभाले। तो इस तरह से चंबा किसकी सुपरविजन में है, अकलू की सुपरविजन में अभी है। और अगर एक तरह से देखा जाए तो चंबा जो है वो जम्मू के कंट्रोल में ही है अगर देखा जाए, क्योंकि काम कौन कर रहा है, अकलू कर रहा है, अकलू किनका ऑफिसर है, ये है जम्मू वालों का। ठीक है जी, ऐसा सा काम चलता है यहाँ पे धीरे धीरे। कुछ एक समय के बाद जो ये राज सिंह है वो बड़े हो जाएंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तो सारा काम ये खुद ही मैनेज करेंगे। तो राज सिंह इस टाइम पीरियड पे अकलू को बोलेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी हेल्प की, बट अभी मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं खुद यहाँ पे मैनेज कर लूंगा, तो आप जाओ। और इस तरह से ही अकलू को वापस भेज देते हैं, कहाँ, जम्मू। ठीक है जी, अब जब अकलू जम्मू वापस गया और बोला कि भाई मेरे को तो वहां से बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से, तो फिर ये बात जो है वो रणजीत देव को बहुत ही बुरी लगेगी, रणजीत देव को गुस्सा आएगा, है ना। इनको गुस्सा क्यों आएगा कि ऐसे कैसे, मैंने वहां पे अकलू को अपॉइंट किया था और आप ऐसे कैसे उनको भेज सकते हो। तो इनको वो गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, और इन्होंने क्या किया था, एक व्यक्ति है उनका नाम है अमृतपाल। अमृतपाल मतलब राजा है, ये कहाँ के राजा है, बसौली के।
ठीक है जी, बसौली के ये राजा हैं अमृतपाल, तो ये अमृतपाल को बोलते हैं कि सेना लेके जाओ और चंबा के ऊपर आप अटैक कर दो, मतलब इनको भी गुस्सा आ गया था इनके ऊपर आप ये बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये वाला जो स्टोरी है, ये जो फेज है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इनके बीच में लड़ाई हुई नहीं हुई, क्या ट्रिटी हुई, ज्यादा हम उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं आगे, ठीक है जी। और जो राज सिंह है वो बहुत अच्छे से अपना काम चला रहे हैं, और राज सिंह का टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा गुजरेगा चंबा में जो है वो बहुत बहुत अच्छा इनका टाइम पीरियड गुजरता है। जो चंबा कलम है, ठीक है जी, चंबा कलम का मतलब हुआ जो चंबा स्कूल ऑफ आर्ट है, मतलब जो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह के ऊपर काम किया गया है, वो सबसे ज्यादा किसके टाइम पे फलता फूलता है, तो वो आंसर आएगा आपके पास राज सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आपसे पूछें कि चंबा कलम का विकास किस राजा के टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया गया उस काम को, तो वो राज सिंह ने किया था। बहुत सारे यहाँ पे पेंटर्स हुए हैं, दो तीन पेंटर्स के नाम देख लीजिए आप, उनका नाम आएगा निक्का, फिर है रांझा, फिर आएगा छज्जू एंड देन हरकू, बस ये चार याद रख लेना आप, ठीक है। हरकू, आपसे किस तरह से सवाल पूछते हैं कि जो निक्का है वो कहाँ का पेंटर था, चंबा का, कांगड़ा का, गुलेर का, अर्की का, कुछ इस तरह से पूछेंगे, ठीक है जी। रांझा कहाँ का पेंटर था, छज्जू कहाँ का पेंटर था, तो ये पेंटर से भी क्वेश्चन आता है। हालांकि ये सारे पॉइंट्स जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश का, वहां हम कवर करेंगे इनको, बट तब तक आप ये याद रख लेना इन पेंटर्स के नाम इंपॉर्टेंट है, राज सिंह का नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है जी, थोड़ा सा हमने टच दे दिया यहाँ पे, तो ये आप देख लेना। जो चंबा रुमाल है, चंबा रुमाल भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चंबा रुमाल तो वर्ल्ड फेमस है, चंबा रुमाल का जो विकास है वो भी सबसे ज्यादा किसके टाइम पीरियड पे होता है, राज सिंह के टाइम पीरियड पे होता है, मतलब कि कला को जो है इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, सपोर्ट किया था, आप ये बोल सकते हैं। चंबा रुमाल क्यों फेमस है, क्योंकि अब देखिए जो नॉर्मली जो रुमाल होता है, जो हैंकी होता है ना, उस पर एक फ्रंट साइड होती है और एक उसकी बैक साइड है, ठीक है जी। उसके ऊपर अगर कढ़ाई की जाएगी, अगर एम्ब्रॉयडरी की जाएगी, तो एक साइड फ्रंट आएगी एंड एक साइड बैक साइड आएगी, बट चंबा रुमाल में ऐसा होता नहीं है। चंबा रुमाल को आप किसी भी साइड से देखिए वो आपको सीधा ही नजर आता है, जो एम्ब्रॉयडरी है उसके ऊपर वो उसकी खासियत है, और जो राधा कृष्ण जी हैं, राधा कृष्ण जी की उसके ऊपर वो चित्र बनाए जाते हैं, मतलब वो जो एम्ब्रॉयडरी है वो की जाती है, और जो कुरुक्षेत्र वाला युद्ध है, कुरुक्षेत्र के जो सीन है वो उसके ऊपर डिपिक्ट किए जाते हैं, तो ये कुछ खासियत है। और जरूरी नहीं है कि चंबा रुमाल आपको रेक्टेंगल ही मिले, चंबा रुमाल रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर शेप में भी मिलेगा आपको, ओवल शेप में भी मिलेगा, तो इस तरह से हम लोग चंबा रुमाल के बारे में भी पढ़ते हैं। तो चंबा रुमाल आप याद रखिएगा, ज्यादा विकास किसके टाइम पे होगा, राज सिंह के टाइम पे होता है, अच्छा खासा काम चल रहा है इनके टाइम पे, बढ़िया जो है वो राजकाज चला रहे हैं। तो ये फर्स्ट फेज हुआ, ठीक है जी, फर्स्ट फेज हुआ। अब थोड़ा आपने समझना कि जो कांगड़ा वाला एरिया है, यहाँ पे घमंड चंद के बाद कौन आएंगे, संसार चंद आएंगे, ठीक है जी। ये देखिए हम सेकंड स्टोरी बना रहे हैं, ये हमने फर्स्ट फेज पढ़ लिया इसका। अब सेकंड स्टोरी के अकॉर्डिंग ये चंबा वाला एरिया है, यहाँ पे है राज सिंह, ठीक है जी। चंबा में कौन है, चंबा में है राज सिंह, और जो कांगड़ा वाला एरिया है यहाँ पे कौन है, संसार चंद। हाँ जी, संसार चंद का नाम आप सभी ने सुना होगा, कांगड़ा में बहुत बड़े राजा हुए हैं, कांगड़ा ही क्या, हिमाचल प्रदेश में हम जो बड़े राजास पढ़ते हैं उसमें से एक हम संसार चंद पढ़ेंगे। तो जिस टाइम पीरियड पे संसार चंद राजा बनते हैं ना, तो उनका जो मेन मोटिव है वो क्या है कि मेरे को सारे एरिया के ऊपर अटैक करना है और अपने एरिया को बढ़ाना है। तो संसार चंद ने सभी के ऊपर अटैक किया, यहाँ पे बिलासपुर आएगा, बिलासपुर के ऊपर अटैक करेंगे, मंडी के ऊपर, कुल्लू के ऊपर, सबके ऊपर अटैक करते हैं, चंबा के ऊपर भी अटैक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग संसार चंद और चंबा के बारे में ही पढ़ेंगे, ये कौन राजास हैं ये हम बाद में देखेंगे फिर। तो संसार चंद ने राज सिंह के ऊपर भी अटैक किया, काफी इनकी लड़ाई होती है, और उसके बाद 1788 में, ठीक है जी, 1788 में एक संधि होगी राज सिंह और संसार चंद के बीच में, उस ट्रिटी का नाम है ट्रिटी ऑफ शाहपुर, ट्रिटी ऑफ शाहपुर। आप याद रखिएगा, आपसे किस तरह से सवाल पूछा जाता है कि ट्रिटी ऑफ शाहपुर कब हुई थी, एग्जैक्ट डेट पूछते हैं, 1788 में वो ट्रिटी साइन हुई थी, एंड किन राजास के बीच में हुई थी, तो या तो कांगड़ा का राजा
या चंबा का राजा कुछ आपसे नाम पूछा जाएगा तो राज सिंह और संसार चंद के बीच में जो है ट्रिटी ऑफ शाहपुर हुई थी, बट उसके बाद भी इनके बीच में लड़ाई चलती रही। और वो एक एरिया था, वो एरिया था रिहलू। हाँ जी, याद आ रहा है आपको रिहलू एरिया। रिहलू एरिया को लेके इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। संसार चंद बोलेगा ये मेरा है, राज सिंह बोलेगा कि ये वाला एरिया मेरा है। ठीक है जी, रिहलू वाला एरिया हमने पढ़ा था। आप बताएंगे इसका आंसर कि चंबा के किस राजा के समय रिहलू एरिया मुगल्स ने ले लिया था। रिहलू वाला एरिया मुगलों के पास चला गया था। ठीक है, उस टाइम पे चंबा के राजा कौन थे तो उनका आप नाम कमेंट कीजिएगा। ठीक है जी, जरूर कमेंट करना आप। तो देखते हैं कितना आपको याद रहा यहां से। ये तो इसी एरिया को लेके जो है वो इनके बीच में लड़ाई होगी। ठीक है जी, लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में क्या होता है, राज सिंह की डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, राज सिंह की डेथ हो जाएगी। डेथ कैसे होती है, राज सिंह इस तरह से लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति पीछे से आएंगे और वो इनके सिर के ऊपर ना तलवार मार देंगे ऐसे जोर से। अब पीछे तो तलवार किसी ने मार दी तो फिर अगले इंसान की तो डेथ होनी है यहाँ पे। तो उनका नाम आप याद रखिएगा, अजीत सिंह पुरबिया। अजीत सिंह पुरबिया। और इन्हीं का ही एक और नाम भी मेंशन है, वो है अमर सिंह हजूरी। अमर सिंह हजूरी, अमर सिंह हजूरी, ये एक ही व्यक्ति हैं। कहीं कहीं पे इनका नाम अमर सिंह हजूरी भी मेंशन है, बट आप में इनका अगर आप नाम याद रखना चाहें, अजीत सिंह पुरबिया आप नाम याद रखेंगे। इन्होंने राज सिंह के सिर के ऊपर तलवार मार दी थी और राज सिंह की डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, राज सिंह की डेथ हो जाएगी यहाँ पे और संसार चंद जो है वो जीत जाते हैं। तो हम इतने ही पॉइंट्स जो है वो राज सिंह के टाइम पीरियड पे पढ़ते हैं। वो एग्जैक्ट डेट कौन सी है, 1794 वाली। और जो ये लड़ाई हुई थी इनके बीच में, इस बैटल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बैटल ऑफ नेरटी। ठीक है जी, बैटल ऑफ नेरटी आपने नहीं भूलनी, ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ नेरटी। हमने एक बैटल ऑफ धलोक भी पढ़ी है। ठीक है जी, एक बैटल ऑफ धलोक पढ़ी है जनार्दन मर्मन के टाइम पीरियड पे। ठीक है जी, और यहाँ पे आप पढ़ रहे हो बैटल ऑफ नेरटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ नेरटी कौन जीत जाते हैं, संसार चंद जो है इस युद्ध को जीत जाएंगे एंड 1794 में जो ये राज सिंह है इनकी हो जानी है डेथ। ठीक है जी, इनकी मृत्यु हो जाएगी और राज सिंह के बाद अगले जो राजा बनेंगे वो इनके बेटे बनेंगे। हाँ जी, समझ पाए आपके बाद, राज सिंह। तो ये हमने राज सिंह पढ़े हैं। अब कभी भी आपको राज सिंह पढ़ने हो, रिवाइज करने हो, तो आप दो फेजेस में उनको याद कीजिएगा। आपको है ना कि कंटेम्प्रेरी याद हमको नहीं रहते हैं, वो इसलिए याद नहीं रहते क्योंकि हम उनको ना प्लेस नहीं कर पाते हैं। आपने एक मैप बनाना, आपने वहां पे राजास को प्लेस करना और आप देखिए राज सिंह जब आप याद करें तो कांगड़ा में उस टाइम पे घमंड चंद का फर्स्ट फेज आएगा एंड सेकेंड फेज आएगा संसार चंद का। घमंड चंद के टाइम पे भी आपने एक स्टोरी पढ़ी थी ये वाली। ठीक है जी, एंड देन संसार चंद के टाइम पीरियड पे भी आप एक स्टोरी पढ़ते हो। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा यहाँ से। और अगर आपको ये समझ आया है तो आपने जरूर बताना। ठीक है, समझ आ रहा है तो आप जरूर बताइएगा, आप कमेंट में थम्स अप कर देना बस एक। ठीक है जी, इस तरह से मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ताकि अगर ऐसा ना कि बाई चांस समझ ना आए तो हम चीजों को थोड़ा अलग तरह से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है जी, अब हमारे लिए कौन सा ज्यादा सुटेबल है वो हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो आप जरूर बताना, थम्स अप कर देना बस एक अगर आपको समझ आ रहा है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े यहां से। तो अपने ये जो राज सिंह है इनका टाइम पीरियड हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद जो राजा बनेंगे वो इनके बेटे हैं, उनका नाम है जीत सिंह। ठीक है जी, जीत सिंह। और क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि हम इसमें सारे ही मिसलिनियस पॉइंट कवर कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक पॉइंट्स जो है वो स्किप भी हो जाते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो मिसलेनियस पॉइंट्स में हम लोग कवर कर लेते हैं बाद में। ठीक है जी, हो सकता है बीच में कुछ पॉइंट्स स्किप हो जाएं, जरूर हो सकते हैं, बट वो हम मिसलेनियस में कवर कर लेते हैं। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे क्या है कि एक एक स्टोरी बंदे हमारे पास, हमको इतना तो पता हो कि राज सिंह भी था कोई, पृथ्वी सिंह वर्मन था, चतर सिंह था, तो ये राजा हमारे लिए फैमिलियर हो जाएं। और जब एक बार ये फैमिलियर हो जाएंगे, आप इनको समझना शुरू कर दोगे, फिर वो मिसलेनियस पॉइंट्स भी याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो अगले राजा आप लिखिएगा। अच्छा, राज सिंह पढ़ लिए, इनके बाद आएंगे जीत सिंह। जीत सिंह, ठीक है जी। हाँ जी, दोबारा से हम लोग एक मैप सा ड्रॉ करते हैं। ये है चंबा, चंबा के राजा कौन है, जीत सिंह है। इधर अपने पास एक कांगड़ा वाला एरिया आएगा,
और कांगड़ा में राजा है संसारचंद, संसारचंद, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि जीत सिंह और संसारचंद की बनेगी आपस में, क्या ये फ्रेंड है या एक दुश्मन है? ये जीत सिंह को कैसे लगते होंगे संसारचंद? अच्छे तो नहीं लगेंगे, है ना? क्यों लगेंगे अच्छे? संसारचंद ने जीत सिंह के फादर को मारा है, तो फिर जीत सिंह के मन में तो भी बदले की भावना है कि जिस दिन मेरा दांव बैठेगा ना सीधा, आपको तो मैं बताऊंगा, फिर ऐसा ऐसा कुछ ही सोच रहे हैं। बट संसारचंद इस टाइम पे जो है वो एकदम डॉन बना है, लेकिन सभी का टाइम आता है और संसारचंद जो है वो बहुत दुखी करते हैं सारे ही पहाड़ी रूलर्स को, सबको इन्होंने दुखी करके रखा है। तो आप ना यहाँ पे याद रखना, ये है बिलासपुर, ठीक है जी, बिलासपुर है ये। बिलासपुर के जो राजा हैं इनका नाम है महान चंद, महान चंद बिलासपुर के राजा का नाम है। संसार चंद के टाइम पे आप इनको याद रख सकते हैं, ये है महान चंद, ठीक है जी। तो महान चंद का तो इन्होंने जीना हराम करके रखा है, महान चंद को इतना धुआं देकर रखा है ना इन्होंने। महान चंद बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और अब पानी जो है वो सिर से ऊपर जा चुका है। वो बोलते हैं कि संसार चंद को तो मजा चखाना पड़ेगा, लेकिन मजा कौन चखाएगा? सारे के सारे जो पहाड़ी रूलर्स हैं वो तो डरते हैं संसार चंद से, क्योंकि संसार चंद बहुत पावरफुल है अभी। तो इसी टाइम पे क्या होता है कि जो सिरमौर है, सिरमौर में आए हैं गोरखास, ठीक है जी। सिरमौर में कौन है? गोरखास है। गोरखास यहाँ पे क्यों है, कब आए, किस लिए आए, ये हम सिरमौर में ही कवर करते हैं, बट आप फिर भी ये समझ लीजिए कि सिरमौर में अभी कौन है? गोरखास है फिलहाल। तो फिर महान चंद क्या सोचेंगे कि जो गोरखास है वो बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स हैं, ठीक है जी। आपको भी पता है जो गोरखास है ना वो बहुत तगड़े सोल्जर्स हैं, तो फिर इनको महान चंद सोचते हैं कि मैं गोरखास को बुलाता हूँ और संसार चंद को हम लोग हराएंगे। ऐसे प्लानिंग कुछ हो जाती है और टाइम पीरियड है 1805-6 का, 1805-6 के आसपास का समय काल है। और इस टाइम पीरियड पे जो महान चंद है बिलासपुर के, वो गोरखास को इनवाइट करते हैं, ठीक है जी। वो गोरखास को इनवाइट करेंगे और सारे के सारे जो ये पहाड़ी रूलर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट जो पहाड़ी रूलर्स हैं, वो भी गोरखास की ही हेल्प करेंगे, किसको हराने में? संसार चंद को हराने में। अब हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या चंबा ने गोरखास की हेल्प की थी अगेंस्ट संसार चंद? तो बिल्कुल की थी। जीत सिंह तो खुशी खुशी हेल्प करेंगे, है ना, कि अभी बताता हूँ संसार चंद को जरा। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि संसार चंद के अगेंस्ट गोरखास की हेल्प चंबा के किस राजा ने की थी? समझ पा रहे हैं आप सवाल? तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, गोरखास की हेल्प की थी किसने? जीत सिंह ने हेल्प की थी, जो चंबा के राजा हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गोरखास को इनवाइट किसने किया था संसार चंद को हराने के लिए? तो वो बिलासपुर के राजा महान चंद ने इनवाइट किया था, ठीक है जी। इनवाइट कर देंगे ये सभी लोग मिलके हराएंगे किसको? संसार चंद को। कब की बात है? 1805-6 के आसपास की बात है, बैटल ऑफ महल मोरिया, ठीक है जी। बैटल ऑफ महल मोरिया हम पढ़ते हैं, बट अभी हम इस लड़ाई में ज्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि फिर ये बहुत लंबी लड़ाई चली जाएगी। तो हमको यहाँ पे क्या याद रखना है कि चंबा के राजा ने पार्टिसिपेट किया था, बट वो खुद नहीं आए थे, इन्होंने अपने वजीर को भेजा था। इनके वजीर का भी आप नाम याद रखिएगा, वो है नत्थू वजीर, ठीक है जी। नत्थू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जीत सिंह ने किसको भेजा था गोरखास की हेल्प करने के लिए? तो वो भेजा था नत्थू वजीर को कि जाओ और आप जाके जो है वो हेल्प कर दो किसकी? गोरखास की। और इस तरह से सभी लोग मिलके जो है वो संसार चंद को हरा देंगे। बस इतना ही हम यहाँ पे टाइम पीरियड पढ़ेंगे जीत सिंह का, मतलब यही काम हम लोग पढ़ते हैं इनके। तो अपना जो ये जीत सिंह है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो राज सिंह के बाद जीत सिंह, आपने याद रखना है। जीत सिंह के बाद हम पढ़ेंगे चढ़त सिंह, चढ़त सिंह के टाइम पे भी बहुत लंबी लंबी स्टोरीज आएंगी। फिर आएंगे श्री सिंह, श्याम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भूरी सिंह भी पढ़ोगे आप यहाँ पे। तो कुछ एक राजाज हमारे रहे हैं चंबा में। अब ऑलमोस्ट हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड आई थिंक एक लेक्चर और लगेगा, उसमें हमारी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। तो चंबा की जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबी हिस्ट्री है और इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। तो हमने कोशिश तो की है कि हमको ये याद हो जाए बहुत अच्छे से, बहुत आराम से। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, लेक्चर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, तो आपने लेक्चर को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ऐप पे भी हमारी क्लासेस जो है वो लाइव क्लासेस चलती हैं, वहां आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।